चलिए एक बड़ी जानकारी महेंद्रगढ़ से आपको बता दें। महेंद्रगढ़ में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से दिखाई दिया। तेज रफ्तार गाड़ी ने चार लोगों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। हादसे में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो चुका है। बड़ी खबर सामने आई है महेंद्रगढ़ से। तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया और इस हादसे में चार लोगों को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। तीन लोगों की मौत हो गई है और हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय यादव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अक्षय, महेंद्रगढ़ में भीषण हादसा, तीन लोगों की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल, बच्चे का इलाज चल रहा है क्या? बिल्कुल बसंत, ये पूरा मामला जो महेंद्रगढ़ के जो कनीना कस्बा है उससे जो गाड़ा रोड है वहाँ का मामला, जहाँ पर एक मैरिज प्लेस है, वहां जो शादी समारोह के अंदर जो खाना खाकर ये चार लोग अपने घर की ओर आ रहे थे, उसके जो पीछे से जो गाड़ी उसने टक्कर मारी है, उसमें चार लोग घायल हुए हैं। उसके बाद जो आसपास के लोग उनके द्वारा सूचना जो पुलिस को दी जाती है, वो डायल 112 की जो दो गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और घायलों को उपचार के लिए कनीना के नागरिक अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर दो लोगों को जो मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद एक को पीजीआई रोहतक रेफर किया जाता है तथा एक को नारनौल इलाज के लिए रेफर कर दिया जाता है। जो पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था उसकी भी जो मौके इलाज के दौरान जो मौत हो गई है। उसके अलावा जो एक व्यक्ति है उसका जो इलाज है वो नारनौल के नागरिक अस्पताल के अंदर फिलहाल जारी है। यानी कुल मिलाकर इस हादसे के अंदर चार में से तीन लोगों ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद जो गाड़ी चालक है वो अपनी गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो जाता है, लेकिन गाड़ी कुछ ही आगे चलती है और सड़क पर ही बंद हो जाती है। उसके बाद जो वाहन चालक है वो गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस के द्वारा जो गाड़ी है उसको भी अपने कब्जे के अंदर ले लिया गया है तथा शवों को महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल के अंदर पहुंचा दिया गया है, जहां पर अब जो पुलिस है वो परिजनों के बयान दर्ज कर रही है, उसके आधार पर अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवाई जाएगी और आगामी कार्रवाई के अंदर फिलहाल जो पुलिस है वो जुटी हुई है। बिल्कुल अक्षय यादव, देखिए गाड़ी नजर भी आ रही है तस्वीरों में, दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं कि पूरी तरीके से आगे का जो हिस्सा है वो डैमेज हो चुका है। अब ऐसे में गाड़ी चालक का मौके से फरार हुआ, गाड़ी छोड़कर जहां पर ये गाड़ी मिली है वहां पर लोगों से बातचीत की गई है क्या कि किसी ने गाड़ी चालक को देखा हो या फिर सीसीटीवी कैमरे जो है पुलिस ने खंगाले हैं क्या ताकि गाड़ी चालक का पता चल सके? बिल्कुल, तो आसपास के लोगों से हमने बातचीत की है तो उनका कहना है कि जब गाड़ी में जो लोगों को टक्कर मारी थी तेज धमाके की आवाज जब जो आई उसके बाद जो घर से बाहर निकले तो वहां मौके पर जो सड़क के किनारे तीन लोग थे और एक जो लोग वो साइड के अंदर पड़ा था उसकी जो सड़कें चल रही थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तथा मौके पर जो पुलिस पहुंचे गाड़ी चालक वहां से फरार हो गया था, लेकिन गाड़ी को कब्जे के अंदर ले लिया गया है। अब गाड़ी के जो नंबर है उसके आधार पर पुलिस जो ड्राइवर तक पहुंचेगी तथा जल्द ही उसका गिरफ्तारी उसका दावा कर रही है। फिलहाल जो पुलिस है बहरहाल जो उन जो परिजन है वो पुलिस थाने के अंदर पहुंचे हैं, उनकी जो शिकायत वो ली जा रही है, उसी के आधार पर पुलिस वो है जांच को आगे बढ़ाएगी तथा इस मामले के अंदर जो ड्राइवर है उसको जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा फिलहाल जो पुलिस है वो कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय यादव, जानकारी आपने दी, जुड़े आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेज रफ्तार गाड़ी ने चार लोगों को रौंद दिया, इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है।